मर्जी की कोई पर... ठीक है, सो द गर्ल्स नीड नॉट टेक इट। मैं कहा ओवर द टाइम टाइम ऐसा आएगा कि मेरा जो दिमाग का गलत इस्तेमाल करना, वो कैसे, आप बच्चे की मर्जी से कोई एक्टिविटी सेक्शन उसके साथ करते हैं तो फिर क्या होता है, डेटिंग वायलेंस की जो है वो कानून में जो है वो परमिटेड नहीं हो सकता है, उसको अच्छा भी ना लगा। तो वी विल से नो जस्टिस बोर्ड सांबा इन कोलेबरेशन विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सांबा। तो हमने आज बीवीएन हाई स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जिसमें लर्न जज स्वाति गुप्ता जी ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एक्ट 2018 उस पर चाइल्ड अब्यूज के बारे में उन्होंने बच्चों को अवेयर किया। और द मेम्बर्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इन्होंने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी न्यू डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे हर जेएनके स्टेट में बने हुए हैं उनके बारे में बच्चों को अवेयर किया कि उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि बच्चे ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इनका जो मोटिव है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिंक्स में जो भी कोई उनके अब्यूज़ हैं उनके एक्सप्लाइटेशन बच्चों को उसके बारे में अवेयर करें। सांबा से बोल रही हूँ, हम कंटिन्यूली अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि हर बच्चे को हर बड़े को ये पता होना चाहिए कि एक नया कानून जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक उनके हित के लिए उनकी सुरक्षा के लिए पूरी इंडिया में लागू है और हर बच्चे को उसमें उनके राइट्स क्या हैं उनकी उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए उनको एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज से बचाने के लिए ये एक्ट पूरे फुल फोर्स में पूरा एक गवर्नमेंट सेटअप है जो इसके एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। इसलिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम DLSA की हेल्प के साथ उनके कोलैबोरेशन के साथ फ्रॉम स्कूल टू स्कूल कॉलेजेस हर जगह ये कर रहे हैं।